लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर उठा पटक लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया से नामांकन दाखिल कर दिया है। मैं हमेशा लालू जी के आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। नफरत की राजनीति छोड़ देनी चाहिए तेजस्वी जी, रावण ने भी तो शिव की पूजा की ही न थी। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। पप्पू यादव ने सरगर्मी को और तेज कर दिया है। राजद चीफ लालू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात को अनसुना करते हुए पप्पू यादव ने आज पूर्णिया से नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें, महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में राजद प्रत्याशी बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट से पहले ही नामांकन कर चुकी है। नीतीश की जेडीयू छोड़कर बीमा भारती चुनावी मौसम में लालू की आरजेडी में शामिल हुई है। ऐसे में पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं परेशान जरूर हुआ पर मैंने देश का दिल जीता है। हर माँ का आशीर्वाद, मैं टॉर्चर जरूर हुआ 14 दिनों में, परेशान जरूर हुए, लेकिन मैंने देश का दिल जीता। मैं चुनाव जीतना मेरे लिए मैटर नहीं है, मेरे लिए मैटर है इस देश के जनता का विश्वास जीतना, और मैंने बिहार का आशीर्वाद जीता है और ये आशीर्वाद मैं बरकरार रखूंगा। और कांग्रेस परिवार का मैंने आशीर्वाद जीता है, कांग्रेस परिवार मेरे साथ है और मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा और इस देश की जनता की सेवा करूंगा। पूर्णिया सीमांचल कोसी को दुनिया का नंबर वन बनाऊंगा। वही नामांकन दाखिल करने से पहले पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए इंसान महत्वपूर्ण होता है दिन नहीं, इंसान हर दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान मेरे लिए भगवान की तरह है। आप भी सुनिए। मेरे लिए महत्वपूर्ण इंसान होता है दिन नहीं, और इंसान हर दिन महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मेरे लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए इंसान भगवान की तरह महत्वपूर्ण है। मेरे लिए हिंदू मुसलमान महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, उसकी खुशी महत्वपूर्ण है, उसके मुस्कुराने का अवसर महत्वपूर्ण है। और मैं बचपन से सिर्फ इंसान की ही पूजा किया हूँ, और मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि पूरी दुनिया पूर्णिया, मधेपुरा मधेपुरा पूर्णिया, पप्पू चुनाव के पहले ही पूर्णिया मानचित्र पर, वर्ल्ड के मानचित्र पर 14 दिन लोगों ने देखा और एक ही बात लोगों ने पूछा, पूर्णिया का क्या, पप्पू का क्या, तो दिल भी जीते, आशीर्वाद भी मिले। और पूर्णिया के हर माँ और बहनों का आशीर्वाद भगवान के तरह जो मुझे मिला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और यही बात मैं लालू यादव जी से हाथ जोड़ करके मैंने कहा, कल भी ये बात हुई कि मधेपुरा चले जाओ, मैंने कल भी कहा कि एक बार नहीं दो दो बार मधेपुरा हराया है, मैं किस मुंह से जाऊंगा। और तब जब पूर्णिया कभी हराता नहीं है और हमेशा पूर्णिया मेरे पीछे पागल की तरह खड़ा हो जाता है, और साल भर सलाम पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया के बाद और गरीबों के इतने पागलपन के बाद, तो मेरे लिए आत्महत्या ही ना होगा, सुसाइडल ही ना होगा। यहाँ कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड आज तक जिंदगी में नहीं हुई, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान मेरे रहते नहीं होता कभी। इस दौरान पप्पू यादव ने लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा कि मैं हमेशा लालू यादव जी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। रावण ने भी शिव की पूजा की थी और दुर्योधन भी तो कृष्ण से आशीर्वाद मांगने गए थे। मैं हमेशा लालू जी के आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। रावण ने भी तो शिव की पूजा की ही न थी, और दुर्योधन भी तो कृष्ण से आशीर्वाद मांगने गए थे ना। कृष्ण का कर्ण का समर्पण ही ना कर्ण की नैतिकता को रोक दी, समर्पण में कमी थी। मेरा समर्पण है और मेरा समर्पण विचारधारा के साथ है। इस दौरान पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि नफरत की राजनीति छोड़ देनी चाहिए तेजस्वी जी, राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती है। सिर्फ इतना फिर कहूंगा, नफरत की राजनीति छोड़ देनी चाहिए तेजस्वी जी, मोहब्बत भी कर लेते बगल में जाके अपने इंडिया गठबंधन से, आप आए तो बगल में मोहब्बत में क्या दिक्कत थी। और राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती है, हम दोनों लोग मिल करके चले। हम इतना ही कहेंगे, हम दोनों का सपना कोसी सीमांचल का विकास होना चाहिए, हम दोनों का सपना हर परिवार की इकोनॉमी होनी चाहिए,
हर आने वाले युवाओं के लिए उसकी खुशी होनी चाहिए। ये मुझे नहीं लगता कि आप आ करके या कहना कि मेरी लड़ाई है। अब आप भाई हो, आप जानो क्या लड़ाई है आपकी, लेकिन ये सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।